वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के टॉपिक को रिविजिट करेंगे इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक नहाय इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट है पहले हम इसको एक जनरल uh, डिस्कशन इस पर करेंगे और उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अपने रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि इंसान अपने बोलने का अंदाज अपना चलने का अंदाज अपनी रंगत और अपने मुख्तफ फेशल फीचर्स और दूसरे फीचर्स जो हैं वो इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से तो चाइल्ड जो है वो करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट और इसी फिलॉसफी को बेसलाइन बनाते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मौजूद है सो अ चाइल्ड इनहेरिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करता है और इसके अलावा चाइल्ड के अपने कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं ठीक है इस कॉन्सेप्ट को मजीद समझने से पहले हम देखते हैं कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है अपनी रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों की हम स्पेशलाइज्ड फॉर्म देखते हैं इसका क्या मतलब है स्पेशलाइज्ड फॉर्म या जनरलाइज्ड फॉर्म इसका क्या मतलब है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सो so ये क्या है ये एक लाइन है ये क्या है? ये एक स्क्वायर है ये एक सर्कल है ये एक रेक्टेंगल है अगर इन चारों को मैं देखूं, इनको जनरली हम क्या कहते हैं या इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं इनमें कॉमन चीज़ें क्या हैं मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इनमें सब में एक चीज़ कॉमन है कलर हर एक हर एक का कलर है हर एक के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स है इन सिमिलैरिटीज़ को इकट्ठा करके इन कॉमन चीज़ों को इकट्ठा करके या दूसरे अल्फाज में जनरली इन तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं ये जो लाइन है ये स्क्वेयर है सर्कल है रेक्टेंगल है ये किन की किस चीज़ की स्पेशलाइज्ड फॉम है ये तमाम जो है ये शेप है ये शेप की स्पेशलाइज फॉर्म है या जोमेट्रिक शेप्स की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है एक शेप एक बड़ा जनरल सा कॉन्सेप्ट है ठीक है हम कह रहे हैं कि हर शेप का कोई ना कोई कलर होगा और हर शेप के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं ठीक है लेकिन लाइन एक स्पेशल फॉर्म है शेप की एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है शेप का कैसे कलर और कोऑर्डिनेट्स के अलावा लाइन के पास एडिशनल चीज क्या है लाइन के पास लेंथ है लाइन की कोई लेंथ होती है इसी तरह से स्क्वेयर की जो साइड्स हैं स्क्वेयर की हर साइड की इक्वल लेंथ होती है तो स्क्वेयर की भी लेंथ होती है सर्कल के पास इस कलर और कोऑर्डिनेट के अलावा एडिशनल चीजें क्या हैं एडिशनल प्रॉपर्टीज की क्या है कि सर्कल का कोई रेडियस होता है इसी तरह से रेक्टेंगल को अगर हम देखें तो रेक्टेंगल के पास लेंथ और विड्थ है तो ये जो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो एडिशनल चीज़ें हैं ये जब ऐड होती हैं तो ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म देती हैं इन सिंपल वर्ड्स कि इन तमाम शेप्स में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पर रख लेते हैं इस प्रोसेस को हम जनरलाइजेशन कहते हैं और जनरलाइज्ड फॉर्म को यूज़ करते हुए एडिशनल चीज़ें कुछ ऐड करके नई चीज़ बनाना इसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं और ये कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लासेस पे अप्लाई होता है इसको हम देखेंगे लेकिन जब जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन होती है कोई स्पेशलाइज्ड फॉर्म है किसी जन कोई स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट है किसी जनरल फॉर्म का तो इनमें एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो रिलेशन हमेशा क्या होगा इज ए का रिलेशनशिप इज ए या इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप लाइन इज अ शेप अ स्क्वेयर इज अ शेप अ सर्कल इज अ शेप अरेक्टेंगल इज अ शेप यह तमाम शेप्स हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक डॉक्टर है एक पेशेंट है एक टीचर है एक स्टूडेंट है इनकी सिमिलैरिटीज़ को अगर हम कम्बाइन करें जनरलाइज करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि हर एक का नाम है हर एक की डेट ऑफ बर्थ है हर एक का सी एन आई सी है और हर एक का फोन नंबर फॉर द सेक ऑफ सिम्पलिसिटी हमने ये सिर्फ ये चार चीज़ें कॉमन इसमें से एक्सट्रैक्ट किया तो जनरली अगर देखें तो ये हैं क्या ये तमाम लोगन हैं डॉक्टर इज अ पर्सन, अ पेशेंट इज अ पर्सन, अ टीचर इज अ पर्सन, अ स्टूडेंट इज अ पर्सन. परसन अगेन इनमें भी इस जे का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है. इसी तरह ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं ये एक विंडो है ठीक है एक एप्लीकेशन की विंडो है इसमें क्या है इसमें एक ये इस चीज़ को लेबल कहते हैं और एक ये इमेज है ओके okay. ये भी एक विंडो है इसमें क्या है इसमें एक बटन है और मेन्यू बार है ये एक विंडो है इसमें एक टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन है और प्लस मेन्यू बार अगर इन तीनों विंडो को मैं देखूं तो इनमें कुछ कॉमन चीज है वो जो जनरलाइज्ड फॉर्म है इन सब की ये तमाम ये हैं क्या ये तीनों चीजें हैं क्या ये तीनों चीज़ें एक विंडो है एक विंडो की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है ये एक ऐसी विंडो है स्पेशलाइज्ड या एक्सटेंडेड फॉर्म है ये एक ऐसी विंडो है जिसमें लेबल भी है और पिक्चर भी है लेकिन है ये एक विंडो ही ठीक है इस इस जनरल फॉर्म को एक्सटेंड किया गया इस जनरल फॉर्म में एक्सटेंशन की गई और ये वाली स्पेशलाइज्ड फॉर्म बनाई गई तो जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है उसमें जनरल फॉर्म की तमाम चीज़ें होती हैं प्लस इसके पास एडिशनल कुछ अपनी चीज़ें होती हैं जैसे इसमें मेन्यू बार और बटन ये इसकी स्पेशलाइज चीज़ें हैं और जनरल हमारे पास ये विंडो है सो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का कि हमारे पास जो पहले से एग्जिस्टिंग चीज होती है हम उसको री करते हैं उसको री करते हुए नई चीज बना लेते हैं इसके फायदे क्या हैं वो भी हम देखेंगे तो जब एक ऑब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड वर्जन होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का तो जिस तरह पहले भी डिस्कस किया उनमें इस जे या इस जे काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और ये इस जे या इस जे काइंड ऑफ रिलेशनशिप इनहेरिटेंस को शो कर रहा होता है जिसमें अगेन ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है अगर वापस हम अपनी एग्जाम्पल पर जाएँ इसको देखें तो ये इसमें पेरेंट होगा और ये इसमें चाइल्ड है चाइल्ड के पास पेरेंट की तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लस चाइल्ड के पास कुछ अपनी क्टरिस्टिक्स है ठीक है सो so, कुछ मजीद एग्जांपल्स हम देखते हैं रिलेशनशिप की अ ग्रेजुएट स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, ठीक है सेविंग अकाउंट्स इज ए टाइप ऑफ अकाउंट एक सेविंग अकाउंट भी अकाउंट ही होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर इज ए कैलकुलेटर एक सिंपल कैलकुलेटर में क्या चीज़ें होती हैं उसमें एक नुमेरिक की पैड होता है ठीक है और फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम कहते हैं कि नुमैरिक कीपैड होता है उसमें एरिथमेटिक uh, ऑपरेटर्स होते हैं और कुछ मेमोरी के ऑपरेशन होते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो एक सिंपल कैलकुलेटर में होती हैं प्लस इसमें क्या होता है इसमें साइंटिफिक ऑपरेटर्स होते हैं साइंटिफिक ऑपरेशन होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रैक्शंस वग़ैरह होती हैं ये सारी चीज़ें होती हैं ठीक है तो अगेन इन में जो है इस ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप या इस ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं ठीक है <coughs> और जब इज ए का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट में तो जिस तरह पहले भी डिस्कशन किया कि वो जो स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट होगा इसके पास तमाम करेक्टरिस्टिक्स होंगे जनरल ऑब्जेक्ट के प्लस कुछ इसके एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो इसको स्पेशल बनाते हैं ठीक है और इनहेरिटेंस uh, यूज करते हैं हम इज ए रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अमंग द क्लासेस और इसका फ़ायदा क्या है कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं एक क्लास को एक्जिस्टिंग क्लास को एक्सटेंड करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए हम स्पेशलाइज्ड वर्जन बनाते हैं इसको हम आ, अपनी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ठीक है